हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, या बोलूं कैमरा रिव्यू लेकर आया हूं आईकू Z5 का। जी हाँ, फ़ोन दिखने में बहुत शानदार है, इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कैमरा कैसा है ये आज आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये मैं आईकू Z5 से ही शूट कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो क्वालिटी का भी वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा। रही इमेजेस की बात, तो आइए बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार कैमरा स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो इसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 64, 8 and 2 मेगापिक्सल का। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेंसर है, और जो 2 मेगापिक्सल है वो मैक्रो सेंसर है। फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि f2.45 अपर्चर के साथ है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पोर्ट्रेट शॉट से। सो यहाँ पर आप देखोगे यार, दोनों पोर्ट्रेट शॉट आप देख सकते हो, दिखने में काफ़ी बढ़िया है। जो डिटेल्स हैं उसकी बात कर लें तो आप देखोगे यार, पहले जो कटआउट है आप वो देखो, बहुत ही अच्छे से लिया है। बस थोड़ी सी परेशानी जो राइट वाला कान है उसके ऊपर आप देखोगे तो बहुत हल्के से यहाँ पर हेयर जो है वो ऊपर वाली तरफ में मर्ज हो रहे हैं, वरना ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। आप चाहे हाथ ले लो या शोल्डर ले लो, हर जगह पे आपको बढ़िया जो बैकग्राउंड है वो बढ़िया सा ब्लर देखने को मिलेगा। साथ ही डिटेल्स की अगर बात कर लें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। आप इमेज को जूम करके देखोगे तो भी आपको फेस पे पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी, हेयर्स भी आपको काफ़ी सही तरीके से दिखेंगे। सो ओवरऑल अ वेरी गुड पोर्ट्रेट शॉट। अब बात कर लेते हैं यार जो नॉर्मल शॉट है उसकी, तो यार यहाँ पर भी आपको मैं वही बता दूँ कि देखो जो ग्रीन है वो तो यार बढ़िया दिख रहा है, कलर एकदम सैचुरेटेड से हैं। वैसे देखा जाए तो गार्डन में वैसे इतनी ग्रीनरी थी जहाँ पर मैं गया था, पर तब भी हल्का सा देखो सैचुरेशन तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा सारी ही इमेजेस में। अब यहाँ पर इस इमेज की बात कर लें तो अगेन देखो यार, जो फोकस पॉइंट था ये सेंटर में जो छोटी सी ये झोपड़ी थी या इसको बिल्डिंग बोलते वो थी। सो अब इस पर भी देखोगे यार आपको डिटेल सही देखने को मिलेगी। ऊपर इसके ऊपर जो एक टंकी है उसके ऊपर का जो आप टेक्स्ट है वो आप देखो एक्सट्रीम जूम करने के बाद नहीं पढ़ पाओगे। तो जी हाँ, एकदम एक्सट्रीम जूम पर जाओगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, जो कि यार काफ़ी फेयर है। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यार आपको इमेज में बढ़िया डिटेल्स देखने को मिलेगी। लेकिन सेम ही बात मैं यहाँ भी बोलूँगा कि जिस एरिया में आपने फोकस किया है वो तो ठीक है, पर उसके आसपास का जो एरिया है यूजुअली वो आपको कहीं ना कहीं फोकस में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट पे जो पत्तियाँ हैं और जो राइट वाली साइड पर पत्तियाँ हैं उस पर आप ये वाली चीज़ देख सकते हो कि फोकस कहीं ना कहीं कम है, लेकिन ओवरऑल अ वेरी गुड इमेज। अगर आप बहुत सारे वाइड एंगल शॉट्स क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये नॉर्मल शॉट है और ये वाइड एंगल शॉट है। सो यार देखो, जो पर्पस है कि ज़्यादा जगह आ जाए वो तो यार ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है। आप देखोगे कि स्टैंडर्ड शॉट वर्सेस वाइड एंगल में जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर कहीं ना कहीं जो फोकस वाली चीज़ है, जो डिटेल्स है, वो कहीं ना कहीं यार आपको यहाँ पर वीक देखने को मिलेगी। हम इस वाइड एंगल शॉट में अगर आप देखोगे यहाँ पर नीचे जो आगे की तरफ घास है इसमें कहीं ना कहीं आपको फोकस है, जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी वीक हो गई हैं। साथ में अगर आप ये वाली एक जो चीज़ें दोनों पेड़ है अगर आप उनको देखोगे, जो हमारा फोकस पॉइंट है उसके ऊपर इसने फोकस अच्छे से लिया है, बट कहीं ना कहीं जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर भी फोकस बेटर होता और थोड़ा अच्छा तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राइट वाली साइड पर वो पूरी फोकस में नहीं है। मैं ये वाली चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बट जो एरिया है कैप्चर करने का वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं यार जो स्टैंडर्ड शॉट है उसमें तो बात कर ली थी हमने, लेकिन 2x और 5x शॉट्स की, तो आप यहाँ पर देखोगे स्टैंडर्ड शॉट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम ही बात यहाँ पर भी रहेगी। लेकिन 2x पे आप आओगे तो कहीं ना कहीं जो कलर टेम्परेचर है वो चेंज हो गया है। आप देखोगे थोड़ा सा वार्म टोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिटेल्स जो है यार वो कहीं ना कहीं काफ़ी लूज हो गई हैं, जो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप बोलेंगे कि यार इमेज को 2x के बाद यूज़ करना है या नहीं करना है, तो अगर लाइट आपके पास प्रॉपर है एकदम बहुत ही ज़्यादा तो आप शायद यूज़ कर पाओ, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड सेम आप यहाँ पर 5x को भी देखोगे तो यहाँ तो डिटेल्स पूरी ही मर चुकी हैं। पर एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि यार जो झंडा लहरा रहा था उसके बाद भी इसने मोशन वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा फोटो क्लिक कर लिया है, वरना यूजुअली होता है ब्लर हो जाता है वो वाला सीन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। और जो बीच में झंडे के बीच में जो हमारा अशोक चक्र के बीच में लाइंस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एटलीस्ट दिख रही हैं अलग अलग। तो ये है कि डिटेल्स हैं लेकिन आप इतना उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, वो वाली बात है। अब क्लोज़अप और मैक्रो शॉट्स की बात कर लें तो आप यहाँ पर देखोगे यार कि जो ये फूल है ये आपको इसके अंदर पूरी जो डिटेल्स है वो अच्छी देखने को मिलेगी। जी हाँ, एक्सट्रीम जूम करने जाओगे तो कहीं ना कहीं डिटेल्स वीक हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मल जूम कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। एक जो चीज़ अच्छी लगी कि यार बैकग्राउंड और जो फूल के एजेस हैं उसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी कि जो फोकस है वो उस एरिया में काफ़ी अच्छे से हुआ है। बैकग्राउंड का जो पीछे ब्लर है वो आप देखोगे यार उसमें जो एकदम शार्प हमें फोकस मिला है, मैं आपको ये वाली चीज़ कहना चाहूँगा। और ऐसा भी नहीं कि आपको क्लोजर शॉट लेने में कोई परेशानी आएगी, आप काफ़ी आराम से क्लोजर शॉट खींच सकते हो।
पर सुपर मैक्रो शॉट की बात कर ले तो यार एक चीज़ देखो जो मैं आपको बताऊंगा कि यार काफ़ी पास से लोगे, काफ़ी अच्छे से फोकस हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप देखोगे यार इसमें ऑफकोर्स देखो शॉट ही अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं जो डिटेल्स हैं वो लूज़ हैं और थोड़ी बेटर हो सकती थी। अब अगर हम लोग डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल शॉट की बात करें तो आप इस इमेज को देखोगे तो जो ग्रीन है वो एकदम काफ़ी ग्रीन दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि यार जिस एरिया पे मैंने फोकस किया था, यानी कि यहाँ पर आप जूम करने के बाद देखोगे, हमने काफ़ी जूम कर लिया है, उसके बाद भी डिटेल्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। एकदम अच्छी नहीं है, शार्प नहीं, पर आप काफ़ी इजीली देख सकते हो जो पैटर्न बना हुआ है वो आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। और दूसरी जो एक नोट करने वाली चीज़ है वो ये है यार कि जिस एरिया में फोकस किया तो वहाँ तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इमेज के लेफ्ट में देखोगे जो पेड़ है यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस जो है वो लूज़ हो गया है। उसके पास में जो पेड़ है ऊपर वाली तरफ पे, इस पर फोकस सही है, तो एक कहीं ना कहीं ये कि जो एजेस हैं उस पर आपको कहीं ना कहीं फोकस थोड़ा कम देखने को मिलेगा, पर जहाँ पर आपने फोकस किया है वहाँ पर आपको फोकस बढ़िया मिलेगा। सो आईकू Z5 में भी आपको नाइट मोड मिलता है, आजकल हर फ़ोन में ही आता है। सो यार यहाँ पर आप देखो जैसे ही जो नाइट मोड ऑन होता है ओवरऑल जो सिनेरियो है वो थोड़ा लाइटन अप तो हो जाता है, पर जो डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती हैं। आप देखोगे यार कि जो नीचे पेड़ है यहाँ पर जो छोटे छोटे लगे हुए हैं उस पर आप देखो एज़ कम्पेयर टू जो नाइट मोड ऑफ है जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी वीक हैं। कहीं ना कहीं जो शॉट है वो भी थोड़ा हेजी सा आया, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ हाथ वगैरह हिला, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था। सो ये जो मुझे नाइट मोड का रिजल्ट मिला वो ऑफकोर्स इन टर्म्स ऑफ लाइट बैलेंसिंग एंड ऑल वो अच्छा है, पर इसको जो यूज़ करना है उसको लेके अगर आप देखोगे तो यार डिटेल्स आपको कहीं ना कहीं इसमें लूज़ मिलेगी, थोड़ा एक स्मूथ सी जो डिटेल्स है वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, फोकस इतना शार्प नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट मोड ऑफ। सो ये वाली चीज़ है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो कि आप इस मोड को यूज़ करना चाहते हो या नहीं। अब फ्रंट पोर्ट्रेट की बात कर लें तो यार यहाँ पर क्या थोड़ा सा ना आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी फ़ोटो लेने में। ऐसा क्यों, आप पहले ये वाला फ़ोटो देखो, फिर ये वाला फ़ोटो देखो और फिर आप ये वाला फ़ोटो देखोगे तो आपको क्या थोड़ा सा ना ये ट्रिकी है। इसमें आपको जो अपना अपर्चर होता है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बार वो समझ में आ गया तो उसके बाद यार आप ये वाला शॉट देखो, काफ़ी अच्छा है। इवन आप बैकग्राउंड ब्लर को कंट्रोल भी कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे मैंने ये वाला जो शॉट लिया है इसमें जो ब्लर है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। मेरे शोल्डर्स ले लो चाहे मेरे हेयर ले लो, इसने काफ़ी अच्छे से जो बैकग्राउंड है और उसमें काफ़ी अच्छे से कटआउट लिया है। तो यहाँ पर आई एम सेटिस्फाइड विद द फोटो इवन द क्वालिटी, पर जो मैंने आपको बताया मशक्कत वाला पार्ट वो यार वो काफ़ी बुरा था। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एटलीस्ट एक तो ऑप्शन होता जिससे भी सीधे पोर्ट्रेट आ जाए, मैं ये वाली चीज़ बोलूँगा। ओवरऑल अ वेरी गुड पोर्ट्रेट शॉट आफ्टर जो भी सारी सेटिंग्स है उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो। सो वैसे ही यार अब एक बार सबके जो पसंदीदा चीज़ होती है आजकल सेल्फी, उस कैमरा की बात कर ली जाए सो आप देखोगे यार काफ़ी आई मीन बढ़िया सा है, आपको डिटेल्स अच्छी देखने को मिलेगी, जो सेचुरेशन लेवल है वो भी सारा डिसेंट है, इमेज की जो क्वालिटी वो भी अच्छी है। जूम करने के बाद अगर आप देखोगे आपको बढ़िया डिटेल्स देखने को मिलेगी, और एकदम ये थोड़ा शाम का टाइम था लेकिन अगर आप और अच्छी लाइट में लोगे फोटो तो आपको और बढ़िया मिलेगा। सो मैं जो सेल्फी शॉट है उससे पूरा सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जो पोर्ट्रेट था उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब लो लाइट सेल्फीज़ की बात कर ली जाए तो यार आप देखोगे ये काफ़ी डार्क सिनेरियो था जिसमें इसने मुझे बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया। तो ऑफकोर्स अगर अच्छा खासा डार्क वाला हिसाब किताब वाले एरिया में हो आप तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, बट जो फ्लैश है उसके साथ आप इमेज देखोगे यार तो बढ़िया काम किया है इसने। ऐसा भी नहीं है कि जो फ्लैश के कारण जो इमेज है पूरी बर्न आउट हो गई है, एकदम सॉफ्ट सी लाइट मारी है। ऑफकोर्स आपके पास फील और ऑटो का भी ऑप्शन होता है, ये मैंने ऑटो पे लिया था, और आप देखोगे यहाँ पर जूम करने पे जो डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको वीक दिखेगी जो मेरे बालों की तरफ है, पर मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा अगर आप जो डार्क वाले सिनेरियो में हो उस समय पर आपका फ्लैश के साथ जो फोटो है वो अच्छा आएगा। सो दोस्तों अगर आप लोगों को भी स्लो मोशन वीडियोस बनाने का शौक है तो यार आप यहाँ पर देखो ये जो भैया हैं इन्होंने फ्लिप तो काफ़ी सही मारा था, पर जो स्लो मोशन में यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो था जो रिज़ल्ट आया था वो हमें हेजी सा आया था शुरू में एकदम, और उसके बाद फिर यार काफ़ी जो था रिज़ल्ट एकदम सही हो गया। आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे FPS को चेंज करने के, पर स्लो मोशन से आई एम सेटिस्फाई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। आपको वीडियो में जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है वो है 4K 60 FPS पर, और आप ये वाला जो वीडियो यहाँ पर देख रहे हो इसकी क्वालिटी तो यार तब भी सही है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी लगी वो लगी कि यार वीडियो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मैं काफ़ी फास्ट चल रहा था ऑफकोर्स टेस्ट करने के लिए, लेकिन आप देखोगे यार जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वीक है, पर जो डिटेल है वो ठीक ठाक हो जाएगी। पर ये जो स्टेबिलिटी वाली परेशानी है इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक अल्ट्रा स्टेबल मोड दिया है जिसमें आप देखोगे यार आप उसको ऑन करो
सो कहीं ना कहीं जो रेजोल्यूशन है वो डाउन हो जाता है, पर स्टेबिलिटी है वो आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, पर फोकस का भी थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास इशू रहेगा, बहुत ही हल्का सा, पर आपका काम जो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी है ये बहुत बढ़िया करता है, और आप इसमें सिर्फ फुल HD ही शूट कर पाओगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, फुल HD 60 FPS की बात कर लें तो यार आप देखोगे सेम स्टेबिलिटी वाली परेशानी आपको मिलेगी। जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर यार आईक्यू को बहुत ज़्यादा काम करना है, कहीं ना कहीं जो शेकी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, पर जो क्वालिटी है उससे यार आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका काम हो जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी एक काफ़ी बड़ा इशू है। फ्रंट में आपको फुल HD 30 FPS का सबसे हाईएस्ट ऑप्शन मिलता है, और अगेन यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जो क्वालिटी है वो तो यार सही रहेगी, पर स्टेबिलिटी का कहीं ना कहीं इशू है। सो फ्रेंड्स, ये था आईक्यू Z5 का कैमरा रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई सवाल हो आप वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।